नमस्कार, आप देख रही हैं डेली पोस्ट हरियाणा। मैं आपके साथ शगुन कश्यप। करनाल में स्थित गांव खानपुर के रहने वाले पुष्पेंद्र ने कुछ अलग ही कर दिखाया है। एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद पुष्पेंद्र गुड़गांव और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में नौकरी करने के लिए गए, लेकिन पुष्पेंद्र ने खुद को इससे असंतुष्ट पाया और उसके बाद नौकरी छोड़कर गाँव में ही अपनी जमीन पर देसी कोल्हू से तेल बनाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि आज के समय पुष्पेंद्र इस तेल की डिलीवरी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देशों में कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पुष्पेंद्र ने बताया कि जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए अपने दोस्तों से बात की थी तो सभी ने कहा कि यह काम नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कड़ी मेहनत, लगन और जुनून के साथ अपना प्रोजेक्ट तैयार किया। उन्होंने बताया कि एक कोल्हू लगाने पर 60 से 90 हजार रुपए के बीच का खर्चा आ जाता है। उन्होंने बताया कि पूरी तरह से तेल ठंडा होता है। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आधुनिक मशीन से बनने वाला तेल जहां गर्म होता है तो वहीं कोल्हू में तैयार तेल पूरी तरह से ठंडा होता है। जहां आधुनिक मशीन से हम 1 क्विंटल अनाज से 40% तेल प्राप्त करते हैं, वहीं कोल्हू से हमें यह केवल 20% ही प्राप्त होता है। कई डॉक्टरों ने भी इस तेल को काफी सराहा है। उन्होंने बताया कि यह तेल 100% हेल्दी होता है। देसी पद्धति से तैयार यह तेल हमारी संस्कृति को भी दर्शाता है। इस तेल के अनगिनत फायदे हैं। यह कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से बचाने में भी सहायक है, क्योंकि इस तेल में किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पुष्पेंद्र अपने 2 कोल्हू में सरसों, नारियल, मूंगफली, तिलहन और अलसी का तेल तैयार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। हमने इसको शुरू किया था 2 साल पहले। तो कोल्हू का जो तेल लोगों ने सुना था तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोल्हू से तेल बनता कैसे था। हमारा एक प्रयास था कि जो हरियाणा की या हमारे देश की प्राचीन विरासत थी, जो अपना वर्चस्व खत्म कर चुकी थी, जब लोग उसको भुला चुके थे कि तेल की असली जो कच्ची खानी का असली तेल है वो इस विधि से तेल बनता है, तो ये कला बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। जब देश आजाद हुआ तब हमारे पास 8 लाख के आसपास कोल्हू थे। अभी मेरे ख्याल में हमारे देश में 800 भी नहीं होंगे। तो इस कला को हमने दोबारा से सहेजने के लिए यहाँ पे इसको स्टार्ट किया था। 2 साल पहले हमने 1 कोल्हू से या 1 कच्ची घानी से हमने इसको शुरू किया था। अभी हमारे पास 3 कोल्हू चल रहे हैं और हमारा प्रयास है कि 20 से 25 कोल्हू यहाँ पे स्थापित किए जाएं और कम से कम 50 बैलों को कटने से या मरने से बचाया जा सके। काफी पुरानी जो है बताया, काफी लोग जो यूज भी करते होंगे, आखिर ये जो है पीछे पिछड़ती हुई क्यों जा रही है? कारण पिछड़ने का सबसे बड़ा रीजन तो इसमें ये था जी कि इसमें प्रोडक्शन बड़ी कम है। इसमें पूरे दिन में 1 कोल्हू से आप 8 से 9 लीटर तेल बना सकते हो। इसलिए जो धीरे धीरे लोग जब आधुनिक तक तरफ गए हैं, मशीन में बटन दबाया, फिर लेबर की समस्या भी थी लोगों को, मगर जो ये असली कच्ची खानी का तेल है, इस तेल की जो विशेषता है, ये तेल ठंडा तेल है। मशीन में जो स्पेलर में आपने देखा होगा वो तेल गर्म 100 डिग्री से ऊपर गर्म हो जाता है, उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है तेल की वो खत्म हो जाती है वहीं पे। इस विधि में जो तेल की न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो बीज की जो वैल्यू है, वो एज इट इज इस तेल के अंदर विद्यमान है। ये तेल प्राकृतिक है पूरी तरह से और बिल्कुल नेचुरल तरीके से बना हुआ है। बैल की जो घूमने की RPM जो है वो सिर्फ 2 है, तो कोई भी मशीन ऐसी नहीं है बाजार में जो इस RPM पे चलती हो या जो इतना ठंडा या इतना प्राकृतिक तेल बना सके। अगर देखा जाए खर्चा कितना आता है इसमें? खर्चा जी, एक कच्ची घानी जो हमने बनवाई थी ये 60 से 70 हजार में बन जाती है खर्चा। बाकी बैल हैं, बैल तो इजिली अवेलेबल हैं, सड़कों पे भी घूम रहे हैं ये, इनको वहां से भी ले सकते हो आप, ट्रेन कर सकते हो इनको। बाकी जो भी आपको स्टोर चाहिए रखने के लिए, थोड़ा बहुत खर्चा इसमें वो है। अब अधिकतर लोग मशीनों का प्रयोग करते हैं, मशीन आ गई है, इनको भूलते हुए जा रहे हैं, उन लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगे? सबको लौटना पड़ेगा जी इस चीज के ऊपर। जो चीज हम भुला चुके थे उस चीज के ऊपर वापस जाना पड़ेगा, जो क्योंकि जितनी बीमारियां समाज में फैल चुकी हैं, आप ये देखो जो हम कहते हैं हमने विकास किया है मगर बीमारियां कितनी है। आज के टाइम में मेरे ख्याल में हर घर में और हर किसी को कोई ना कोई बीमारी है। और जो ये हमारा पुराना कल्चर था, जो हमारे खाने पीने की जो विधि थी, जो तकनीक थी हमारी, जो बड़ा वैज्ञानिक कल्चर था हमारा, उस टाइम देख लो आप, आटा हम पीसते थे चक्की से पीसते थे हम, ठंडा आटा था वो आटा रख के देखो घर में आप, खराब नहीं होगा। मशीन का आटा घर में देखो आप, 10-15 दिन के बाद उसमें सुरसरी आनी शुरू हो जाती है। जो ये तकनीक है सारी की सारी, जो प्राचीन हमारा विज्ञान है, ये बड़ा आज के विज्ञान से बहुत आगे था। ये हम लोगों ने इनको छोड़ दिया, हम फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं,
गंदे खान पान की तरफ हम जा रहे हैं, इसलिए हम लोग बीमारियों से, कैंसर से, देखो आप कितना कैंसर फैल चुका है, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां फैल चुकी हैं समाज के अंदर। तो इन चीजों पे लौटना पड़ेगा, हमें मजबूरी है हम सबकी। हम आज लौटे या हम 10 साल के बाद आए, हमारी मजबूरी है, हमें इसके ऊपर आना पड़ेगा। कितने प्रकार का तेल निकलता है, क्या रेट है? हम 6 से 7 तरह के तेलों पे काम करते हैं जी। यहाँ पे सरसों में हमारे पास काली और पीली दोनों तरह का है, बादाम का है, अलसी का है जी, नारियल का है, तिल का है और मूंगफली का है। सरसों का हमारा 500 रुपये लीटर जाता है जी, मूंगफली का भी 500 है, अलसी का 1250 है, नारियल का और तिल का 700 है और बादाम का 2500 रुपये लीटर है जी। कितनी देर बाद तेल निकलना शुरू हो जाता है? ये जी एक कच्ची घानी या एक घानी में 10 किलो इसमें डलता है बीज एक बारी में, इसको खत्म होने लगते 2 से 2.5 घंटे लगते हैं जी। और सरसों की जो निकलता है, सरसों निकलती है 20 से 22%, और जो मूंगफली का दूसरे में अभी मूंगफली का चल रहा है, मूंगफली में निकलता है 30% के आसपास। तो 2 से 2.5 घंटे में जाके तैयार होता है, 2 या 2.5 या 3 बोतल अलग अलग तेल की तैयार होती है। विदेशों से भी आते हैं फोन पार्स तेल? हमारा जी अभी US जाता है हमारा, कनाडा जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है हमारा, और दुबई जाता है दुबई, और इंडिया में हमारा 22 से 23 राज्यों में जा रहा है अभी। तो 2 साल से हम चला रहे हैं जी, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक किया है इन तेलों की सहायता से। सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली है? सरकार शायद सहायता करती हो, पर मैंने सरकार को भी अप्रोच किया नहीं सहायता के लिए। लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? लोगों से अपील यही है जी, अच्छा है, खाने पीने पे आप केंद्रित करो, कुछ भी अच्छा बनाएं, खुद भी खाएं और लोगों को प्रेरित करें। जैसे ये चल रहा है, इसके साथ बहुत सारी चक्की थी हमारी, हाथ से चलती थी, या हम मसाले बनाते थे, ओखली में हम पीसते थे। तो जितना भी हमारा कल्चर है, इसको मैं तो चाहता हूँ इसको सबको रिवाइव किया जाए, लोग खुद भी अच्छा खाएं और जो युवा साथी हैं वो भी इस चीज से प्रेरित हों और सारा का सारा समाज एक अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में आगे बढ़े। देखिए ये असली कच्ची घानी का तेल है, जो हमने सुना था कच्ची घानी का तेल है। ये देखिए आप, इसका जो बेस बना हुआ है, जहाँ ये पिसता है वो बेस बना हुआ है नीम से, और ऊपर एक लाठ दिख रहा होगा आपको जो इसको घुमा के सीड को पीस रहा है, वो बना हुआ है बबुल से। तो इस तेल के अंदर नीम और बबुल दोनों के गुण इस तेल के अंदर विद्यमान है, और तेल जो है ये पूरी तरह से केमिकल रहित है, कोई फिल्ट्रेशन नहीं है इसमें। बनने के बाद इसको हम एक छोटा सा पोलियो दिख रहा होगा आपको, उसमें रखते हैं इसको, इसको बोलते हैं सोलर ड्राइड मेथड। तो हम 3 दिन के लिए तेल को बनने के बाद उसमें रखते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके। केमिकल कोई यूज नहीं है पूरे प्रोसेस में, प्लास्टिक का कोई यूज नहीं है। सारा का सारा जो हम तेल प्रोवाइड करते हैं वो कांच की बोतल में प्रोवाइड होता है या टीन के कैन में होता है। तो पूरा प्रोसेस जो है वो केमिकल से रहित है, प्लास्टिक से रहित है। हम प्लास्टिक में छानते भी नहीं, उसके लिए भी हम मलमल के कपड़े का यूज करते हैं।